की सभ्यता का टेरा कोटा का जो सिक्का होगा, मिट्टी का सिक्का, अगर वैदिक काल के लोगों को मिल जाए या मौर्य वंश के लोगों को मिल जाए तो क्या वो कोनो काम का होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिक्कों के बारे में, यानी सिक्का के इतिहास के बारे में बात करेंगे हम लोग, कि कौन कौन से काल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए और कैसे कैसे सिक्के चलाए गए, कौन से शासक ने सिक्के चलाए। और एक बात, सिक्का मान लीजिए एक वंश के समय जो सिक्का चलता था, अगर वही वंश बदल जाने के बाद क्या वो सिक्का की मान्यता रह पाता था या नहीं रह पाता था। मान लीजिए मौर्य वंश के समय कोई सिक्का चलाया गया, मान लीजिए चांदी का सिक्का चलाया गया, आगे कोई और वंश आ गया सुंग वंश, उसके बाद कौन आया था सुंग वंश, तो क्या सुंग वंश ने उस सिक्का को मान्यता दिया था या नहीं दिया था, आखिर ये सब कैसे होता था। और एक बात, सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर शासकों ने सिक्का ढलवाना शुरू क्यों किया, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप बस इसको अंत तक देखते रहिए और ये भी समझेंगे कि आखिर ये सिक्का जो था उनको जो अलग अलग शासक जो सिक्का चलाते थे उनका वैल्यू जो था, उनका वैल्यू कितना होता था, क्या होता था, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्के के बारे में। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, यानी एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु को देना, लेकिन सिक्कों की जरूरत कब से पड़ने लगी, क्या शुरू से ही, सबसे पहले कहां से हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, पाषाण काल से। तो क्या पाषाण काल के लोगों को सिक्कों की जरूरत पड़ी होगी, जब तक एक और बात समझिए, सिक्कों की जरूरत या कोई भी सामान, तब तक कोई सामान नया नहीं बनाया जाता जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। तो देखिए, क्या पाषाण काल के लोगों को सिक्कों की जरूरत पड़ी होगी, नहीं। पाषाण काल के लोग तो खुद शिकारी थे, शिकार करते थे, उनको सिक्का और लेन देन का क्या बारे में पता था, कुछ नहीं पता था। वो तो सिंपल, देखिए पाषाण काल के अंतिम समय में, नव पाषाण काल में लोग खेती करने लगे, तो खेती के समय भी मान लीजिए कोई किसी से कुछ लेना होता होगा तो वस्तु पर विनिमय प्रणाली द्वारा एक वस्तु लेकर दूसरा वस्तु को क्या कर देता, दे देता होगा, यानी आदला बदली कर देता होगा। तो इसीलिए पाषाण काल में सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। अगला आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र एक सिक्का का प्रमाण है, टेराकोटा। अब देखिए टेराकोटा भी ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया, एकदम हल्का सा मिला हुआ है, यानी मिट्टी का सिक्का होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और आपको पता है कि बहुत ही विकसित सभ्यता थी ये, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, और इन लोगों को भी सिक्का की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से इनका काम चल जाता था। और एक और बात समझिए, व्यापारी थे तो व्यापार कैसे करते थे, एक वस्तु लेकर दूसरा वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु किसी एक व्यक्ति के पास है और दूसरा वस्तु किसी एक व्यक्ति के पास है, तो आदला बदली कर लेते थे, बस काम चल जाता था। यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिक्कों की जरूरत नहीं पड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आगे बढ़ते हैं वैदिक काल में, ये तो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। आपको पता है वैदिक काल पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, ये लोग तो गांव में रहते थे। कहां पर रहते थे? गांव में रहते थे। और एक बात, इन लोगों को देखिए धातुओं के बारे में जानकारी हो गई थी, लेकिन ये धातुओं से सिक्कों का निर्माण करके गहनों का निर्माण करते थे, या आभूषणों का निर्माण करते थे, या ये हथियारों का निर्माण करते थे। मुख्य रूप से आपको पता है कि वैदिक जो काल के लोग थे कौन थे, वो आर्य थे, और आर्य क्या करना जानते थे, युद्ध लड़ना जानते थे। तो उनको सिक्का से कोई मतलब नहीं था, वो तो खुद ग्रामीण सभ्यता थी, गांव के लोग थे, और उनको ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। मान लीजिए जो भोजन की जरूरत है, जो कपड़े की जरूरत है, तो ऐसे ही पूरा हो जाता था कि कोई मान लीजिए चावल के बदले किसी से कपड़ा ले लिया, या चावल के बदले गेहूं ले लिया, ऐसे करके पशुओं के बदले गेहूं, ऐसे करके वो अपना वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा एक वस्तु लेकर दूसरा वस्तु जब देकर अपना काम चला लेते थे। वहां पर भी ये सिक्कों की जरूरत न पड़ी, लेकिन यहाँ पर प्रमाण भी नहीं मिल पाता। तो अभी तक हम लोगों को किस चीज का प्रमाण मिल पाया, ये वो सिक्का का प्रमाण मिल पाया, वो भी कब, टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का सिक्का मिल पाया। उसके बाद अब आते हैं महाजनपद काल में, एक काल के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, कब कौन सा सिक्का चला और कैसे चला, क्यों चला कोई सिक्का, आखिर कोई सिक्का क्यों चला। अब बताइए, एक और बात बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का टेराकोटा का जो सिक्का होगा, मिट्टी का सिक्का, अगर वैदिक काल के लोगों को मिल जाए या मौर्य वंश के लोगों को मिल जाए तो क्या वो कोनो काम का होगा, कोई भी काम का, अभी मान लीजिए हम ही लोगों को मिल जाए सिक्का, कोई काम का होगा नहीं। लेकिन हाँ, उसको पूरा तत्व अगर मानेंगे, अगर उसका संरक्षण करना चाहेंगे तो जरूर काम का होगा और उसका मूल्य बढ़ जाएगा। क्यों मूल्य बढ़ जाएगा? क्योंकि वो पूरा तत्व है। देखिए समझिए,
किसी भी चीज का मूल्य कब बढ़ जाता है, जब वो सामान कम हो और खरीदने वाले लोग ज्यादा हो, कि उसको चाहने वाले लोग यानी कि उसको पसंद करने वाले लोग ज्यादा हो। अब समझिए सोना ही इतना फेमस कैसे हुआ, क्योंकि सोना का जो है सोना एगो तो कम मात्रा में है और बहुत कठिन तरीका से उसको निकालने की प्रक्रिया बहुत कठिन होता है, और उसके बाद उसको पसंद करने वाले लोग बहुत थे, मतलब बहुत अभी भी बहुत है। इसीलिए सोना का जो मूल्य है क्या सबसे ऊपर की चीज का मूल्य रहता है सोना का, जो कि कीमती, देखिए हीरा भी कीमती माना जाता है, लेकिन जो सोना होता है सोना से हीरा कीमती होता है, हीरा के कम मात्रा में होता है और चाहने वाले लोग उसको पसंद करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है वैसे ही तो क्या टेराकोटा को पसंद करने वाले लोग होंगे? नहीं। क्यों नहीं पसंद किया जाएगा? क्योंकि मिट्टी तो था, इसको कौन पसंद करेगा? मिट्टी का पका हुआ, मिट्टी का था, इसको कौन, कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अभी पूरा तत्व की अगर बात करें तो लोग पसंद करेंगे, तो इसका भी मूल्य बढ़ जाएगा, इस मिट्टी का भी मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए इसका तो कोई काम नहीं रहा यहाँ पर वैदिक काल से महाजनपद में। महाजनपद क्या होने लगा, छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े छोटे छोटे कबीले अब क्या गांव के रूप में लेने लगे और उसके बाद बड़ा सा महाजनपद बनने लगा। सबसे पहले हरेक वंश की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सिक्का माना जाता है वो गौतम बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय। तो गौतम बुद्ध जो थे कब थे, किसके किस राजा के समकालीन थे, वो बिंबिसार के समकालीन थे। अब आप कहेंगे समकालीन मतलब बिंबिसार के समय कहीं थे, जब बिंबिसार राजा था ना हरेक वंश का, हरेक वंश का संस्थापक कौन, बिंबिसार। जब बिंबिसार राजा था, बिंबिसार जब राजा था तो उसी समय कौन थे, ये गौतम बुद्ध थे। अब आप कहेंगे उसी समय कैसे थे, किस ये प्रमाण कैसे मिल पाता है, जब गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान उनको ज्ञान मिला, घूमने लगे अपना अपना ज्ञान का प्रसारित करने लगे, सारे जगह जा जाकर उपदेश देने लगे, तो ये राजगृह में भी पहुंचे थे, इसकी राजधानी, और इसने बहुत अच्छा से स्वागत किया था। तो सबसे पहला जो सिक्का माना जाता है कि गौतम बुद्ध के समय ही पंच मार्क सिक्का का, मतलब पंच मार्क का सिक्का चला था, बिंबिसार के समय ही चला होगा, क्योंकि उस समय राजा कौन था, बिंबिसार था। क्या गौतम बुद्ध चलवाएंगे? नहीं, कौन चलवाएगा, राजा चलवाएगा। तो पंच मार्क सिक्का कब, पंच यानी कि देखिए पंच मार्क सिक्का मतलब क्या होता, आहट सिक्का, यानी किसी भी सिक्के पर ऐसे ठप्पा लगाना, समझिए सिक्का हो गया ना, इस पर ठप्पा लगाना, किसी का ठप्पा लगाना, किसी पेड़ का चित्र, किसकी चीज, ये चीज का अंकित हो जाता था, कोई भी ठप्पा किसी पेड़ का अंकित हो जाएगा या किसी जानवर का, किसी पक्षी का ठप्पा लग जाता था, इसीलिए उसको पंच मार्क या आहत सिक्का, ये दोनों बातें के हैं। आहत हिंदी में आहत और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंच। पंच मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे मारना, पंच। पंच मार्क या आहत सिक्का भी उसको कहते थे, लेकिन इसका ज्यादा प्रमाण नहीं मिल पाया कि बिंबिसार के समय क्या पंच मार्क सिक्का था कि नहीं था, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं माना जाता। और ये पंच मार्क जो सिक्का था वो कई धातुओं से मिलकर बनाया जाता था, इसीलिए, और ये माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध के समय ये सिक्का था, गौतम बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध कब थे, बिंबिसार के समय थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है ज्यादा, इसीलिए इसको नहीं माना जाता है। मतलब मान सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन ये प्रमाणिक तौर पर उतना नहीं माना जाता है। अब प्रमाणिक कब माना जाता है, उसके बाद हरेक वंश के बाद कौन सा वंश है, शुनक वंश, उसके बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद कौन है, मौर्य वंश। यहां से मुख्य रूप से सिक्का का काम शुरू होता है। आहत सिक्का का प्रमाण बढ़िया से, आहत सिक्का, यानी कि इनके समय कौन सा सिक्का चला, मौर्य वंश के समय, जब मौर्य वंश के राजा हुए तो उन्होंने आहत सिक्का चलाया, इसी को पंच मार्क कहते हैं, पंच मार्क वाला सिक्का इसी को कहते हैं। और एक बात, कई धातुओं के मिलकर इसमें बनाया जाता था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पौन एक सिक्का का नाम रहा था, जो चांदी का, मुख्य रूप से किस चीज का था, चांदी का। देखिए यहाँ पर सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ने लगी, क्योंकि यहाँ पर मौर्य वंश के समय लोग काफी विकसित हो गए थे और बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसके कारण सिक्का की आवश्यकता महसूस हुई, और वस्तु विनिमय प्रणाली से काम नहीं चल रहा था। अब समझिए, किसी को अभी मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली होता, मानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता, और किसी को मोबाइल खरीदना हो और किसी के पास चावल हो, तो चावल से क्या मोबाइल मिल सकता है, और मान लीजिए चावल से मोबाइल मिल सकता है, तो मोबाइल वाला कहेगा कि नहीं, हमको चावल चाहिए ही नहीं, हमको कुछ और खरीदना है, तो वहां पर पैसे की जरूरत पड़ गई ना, पैसे की जरूरत क्या हुई, पड़ गई। तो यहाँ पर भी बहुत सारे चीजें विकसित हो गई थी, जिसके कारण क्या जरूरत पड़ा सिक्कों की, तो दो प्रकार का सिक्का, चांदी का सिक्का और एक आहत सिक्का चलाया जाता था, ध्यान रखिएगा, आहत यानी पंच मार्क, कई धातुओं को मिलकर सिक्का बनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मौर्य वंश के बाद भी कई वंश हुए, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, ये कई वंश हुए, ध्यान रखिएगा, लेकिन उन वंशों का ज्यादा, देखिए
जिसका कोई नया कुछ करेंगे तब ना प्रमाण मिलेगा, कुछ नया होगा तब ना बढ़िया से इतिहास में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ नया होता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने कितने जाना, टेराकोटा, सिंधु घाटी सभ्यता वाला जाना, ये वाला मौर्य वंश वाला आहत सिक्का, ठीक है। उसके बाद सतवाहन, सतवाहनों ने सीसा का सिक्का चलाया, ध्यान रखिएगा सीसा, और चांदी का भी ये सिक्का चलाते, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि चांदी का ये सिक्का नहीं चलाते थे, चांदी का भी सिक्का चलाए थे और साथ में सीसा का सिक्का चलाए। अब ये आप लोगों को मन में होगा कि सीसा का सिक्का कैसे चलाया जा सकता है, कोई सीसा का सिक्का चला कैसे सकता है, तो ये सतवाहनों ने करके दिखाया है, किसी का सिक्का चलाया था सीसा का। उसके बाद बात करते हैं चांदी का सिक्का में भी एक दो बातें महत्वपूर्ण है। सतवाहन में आप लोगों को पढ़ाए होंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक के वो शासक था जिसका नाम था नापान, नापान को कहा ये नासिक वाले जो क्षेत्र में रहता था हराया था नापान को गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सतवाहन वंश का था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसको हराया, नापान को, और एक सिक्का चलवाया जो कि चांदी का सिक्का था, एक तरफ नापान था और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी खुद जीता हुआ था ऐसे खड़ा था और ये हारे हुए मुद्रा में से कौन खड़ा था, ये नापान को खड़ा किया था। ये कौन सतवाहनों ने चलाया था, सीसा और चांदी का भी सिक्का ये लोग चलाते थे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सतवाहनों में ही एक राजा था यज्ञ श्री सतकर्णी, जिसने अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र बनवाया था, किस चीज का चित्र बनवाया था, जहाज का चित्र बनवाया था अपने जहाज का जो चित्र बनवाया था अपने सिक्कों पर, अपने सिक्का जो ढलवाया था उस सिक्के पर किसी का चित्र बनवाया था, जहाज पानी वाला जहाज का। उसके बात कर लेते हैं इंडो ग्रीक की बात कर लेते हैं, उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, देखिए बीच में जो वंश नहीं मिलेंगे ना तो समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मौर्य वंश और सतवाहन वंश की बीच वाले वंश की बात नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया, यही वाला सिक्का चलाया आगे, अगर कुछ नया किया होता तो जरूर यहां पर बताते। इंडो ग्रीक, अब इंडो ग्रीक ने देखिए चांदी का तो सिक्का चल रहा था, सबसे पहले इंडो ग्रीक ने सोना का सिक्का चलवाया, किस चीज का सिक्का, सोना का, बाकी लोग कोई सोना का सिक्का नहीं चलवा रहा था, सभी लोग सोना किस चीज के अपने आभूषण के रूप में प्रयोग कर रहे थे अभी तक, लेकिन इसने क्या किया, सोना का सिक्का इंडो ग्रीक जब भारत में एंट्री हुआ उन लोगों का आक्रमण किए, आपको पता है इंडो ग्रीक हिंद यूनानी, यूनान से जो आक्रमणकारी आए और आकर भारत में ही बस गए उसको क्या कहा जाता है, इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यूनानी कहा जाता है, आकर भारत में बस गए, लूट कर भागे नहीं भारत में बस गए, उन्होंने सबसे पहले सोना का सिक्का चलवाया था, ध्यान रखिएगा। और सोना का सिक्का चलवाया था, ये मत सोचिए कि वो चांदी का सिक्का नहीं चलवाते थे, सोना का चलवाया ना, चांदियों का सिक्का चलवाते थे, लेकिन सोना इन लोगों के लिए नया था, पीछे कोई सोना का सिक्का नहीं चलाया था, ये सिर्फ सोना का सिक्का, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का नहीं चला। आगे बढ़ते हैं, कुषाणों की बात करें तो कुषाणों ने भी सोना का सिक्का चलवाया, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का चलवाया, क्या चलवाया, शुद्ध सोना का सिक्का, शुद्ध सोना का सिक्का चलवाया था कुषाणों ने, ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना का सिक्का चलवाया था कुषाणों ने, और ये चांदी का भी सिक्का चलवाते थे, सोना का, चांदी का, तांबा का भी सिक्का चलवाया इन्होंने, किसने, कुषाणों ने, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का चलवाया, ये तो सोना का सिक्का चलवाया ये इंडो ग्रीक, लेकिन शुद्ध नहीं था, इन्होंने शुद्ध चलाया। अब बात कर लेते हैं गुप्त, गुप्त राजाओं की, यहां पर तो जगह नहीं है, यहां पर बात करते हैं आठ नंबर गुप्त, गुप्त इन्होंने सर्वाधिक, सबसे अधिक सोना का सिक्का चलवाया, सबसे अधिक सोना का सिक्का चलवाया। अब एक और बात आप लोगों को दिमाग में होगा कि क्या ये सोना वाला सिक्का, मान लीजिए कुषाणों का समय खत्म हुआ, इंडो ग्रीक का समय खत्म हुआ, तो ये और कुषाण भी थे, क्या एक दूसरे के राज्य में ये चलता होगा सोना का सिक्का, हाँ एकदम चलता था। अब कैसे, भाई लोग उस पर राजा की नहीं होती थी, जो भी उस पर राजा का चित्र होता उससे कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, जितना ग्राम सोना है ना, 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना, तो सोना का महत्व था। अब चांदी वाला में भी सिर्फ चांदी का महत्व था, जो राजा चांदी का सिक्का सिर्फ चलवा रहा है तो समझिए वो गरीब है, नॉर्मल सी बात है, वो गरीब है जो चांदी का सिर्फ सिक्का चलवा रहा है, या इधर की बात नहीं कर रहे हैं, इधर की बात इसलिए क्योंकि ये ज्यादा इनको जानकारी नहीं थी या कोई पहले चलाया नहीं था सोना का सिक्का, इधर सब सोने का सिक्का चला रहे हैं, और इसके बाद भी अगर कोई राजा चांदी का अधिक मात्रा में सिक्का चला रहा है समझिए वो गरीब है, राजा भी गरीब होते हैं, ऐसे थोड़ी बात है कि राजा गरीब नहीं होते। अब गरीब के मतलब ये नहीं कि वो झोपड़ी में रहने लगे, गरीब का मतलब उसका खजाना जो है वो खाली रहेगा तो गरीब ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चांदी का भी, लेकिन चांदी का वैल्यू क्या था, कम था, तांबा के भी सिक्का चलवाते थे उसका और वैल्यू कम था। आगे बात करते हैं गुप्त, सबसे अधिक ये सोना का सिक्का चलवाए, लेकिन सोना का सिक्का चलवाए, लेकिन ये अशुद्ध था, क्या था, अशुद्ध सोना का सिक्का था, जान लेके शुद्ध नहीं, अशुद्ध, सबसे अधिक अशुद्ध।
और चांदी का इधर जो सिक्का चलवा रहे थे, किसी ने शुद्ध चांदी का सिक्का नहीं चलवाया था यहाँ तक, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन्होंने सबसे पहले शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाया, शुद्ध चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का इन्होंने चलवाया। उसके बाद मयूर शैली का सिक्का चलवाया था, मयूर शैली का सिक्का, यानी कि मोर अंकित रहते थे इनके सिक्का पर, क्या अंकित रहता था, मोर। उसके बाद कौड़ी इन्होंने चलाया, कौड़ी बोला जाता ना, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, या कौड़ी समझते हैं, कौड़ी छोटा छोटा होता था वो कौड़ी। और देखिए ये कौड़ी का महत्व क्यों होता था, क्योंकि इसको खोजना ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, समुद्र के किनारे मिलता है कौड़ी, और कौड़ी को इसीलिए जो कौड़ी से भी लोग, देखिए सबसे निचला वाला मुद्रा इसमें कौड़ी था इनका, सबसे मान लीजिए किसी को थोड़ा सा सामान कुछ लेना हो, कुछ खरीदना, 1 किलो चावल खरीदना, देखो बड़ा सा सोना का सिक्का दे देगा, नहीं क्या देगा, किसी को मान लीजिए 1 किलो चावल है, थोड़ा सा कुछ सामान खरीदना, तो कौड़ी से वो क्या करते थे, कौड़ी से अपना आदान प्रदान करते थे। अभी भी देखिएगा कौड़ी, अभी तो रुपया मतलब ऐसी मुद्रा के रूप में नहीं चलता है, अब सजावटों में प्रयोग होता था अभी तक कौड़ी का, आप शायद कौड़ी देखे भी होंगे, कौड़ी होता क्या है, छोटा सा होता था, छोटा छोटा ऐसे होता था कौड़ी, वो समुद्र किनारे पाया जाता था उस समय। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब गुप्त की बात कर लिए, गुप्त के अब बात कर रहे हैं हुमायूं की, हुमायूं, अब देखिए गुप्तों के बाद डायरेक्ट अब हुमायूं की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद गुप्त काल के बाद बस ऐसे ही नॉर्मली सोना चांदी का सिक्का ऐसे ही चलता रहा, और कुछ ज्यादा इसमें हुआ नहीं, जब ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हुमायूं के, हुमायूं के बारे में सबसे देखिए यहाँ पर चमड़ा का सिक्का चला, चमड़ा का सिक्का क्यों चला, आप लोगों को एक बार हुमायूं की कहानी पढ़ाए भी है, कहानी पढ़ाए हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं कैसे युद्ध लड़ रहा था तो पानी में बह गया, उसके बाद उसको एक नाविक ने, एक जो नाव चलाने वाला होता उसने बचाया। हाँ एक और बात, आप उस नाविक का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, उस नाविक का क्या नाम था जिसने हुमायूं को बचाया था, क्योंकि हम बहुत अच्छा से बताए हैं, नाम सब कुछ पढ़ाए हैं अच्छा से, तो आपको उस नाविक का नाम बताना है जो कि हुमायूं को बचाया था। अब क्या हो रहा था, आपको कहानी बता देते हैं, नाविक का नाम आपको खुद बताना है, कहानी थोड़ा सा बता देते हैं जो नहीं जानते हैं। हुमायूं युद्ध लड़ रहा था, वो पानी में दह गया, तो उसको एक नाविक ने बचाया, और नाविक ने बचाया तो नाविक को बोला हुमायूं को, एक दिन के लिए तुम आना यहाँ पर दिल्ली में, जब दिल्ली का शासक था ये हुमायूं, तो तुमको हम राजा बना देंगे। जब उसको नाविक को राजा बनाएगा तो उसने चमड़ा का सिक्का चलवाया, तो एक्चुअल में चमड़ा का सिक्का हुमायूं ने नहीं चलवाया था, किसने, उस नाविक राजा बना तो उसने चलवाया, और उस चमड़ा का महत्व भी था, ऐसा बात नहीं था कि कुछ महत्व नहीं था, बस ऐसे नाम के लिए चलाया गया, बस उतना ही दिन तक महत्व था जब तक इन लोगों का शासन काल था, उसके बाद चमड़ा का कौन वैल्यू करता है, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ वैल्यू नहीं था उसका, लेकिन नाम तो हो गया ना कि चमड़ा का सिक्का उसने क्या करवाया, चलवाया। शेर शाह सूरी, सबसे इंटरेस्टिंग समय ये देखिए, ध्यान समझिएगा, यहां पर दाम, रुपया और असरफी, दाम रुपया और असरफी चला, क्या था, दाम रुपया और असरफी चला, ध्यान रखिएगा। अब दाम रुपया असरफी कैसे चला, क्या हुआ, आप समझिए, दाम क्या था, ये तीन प्रकार के सिक्के चले, दाम जो था वो तांबा का था, तांबा, और रुपया जो था ये चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, किस चीज के सिक्के को, चांदी के सिक्का को रुपया, और असरफी जो था वो समझ लीजिए वो सोना का सिक्का था, किस चीज का सिक्का था, वो सोना का सिक्का था, सोना का सिक्का था, किस चीज का सिक्का था, सोना का। अब समझिए दाम, हम बोलते हैं ना, अभी भी बोला जाता है कि बताइए इस वस्तु का सबसे निचला इसका सिक्का था दाम, सबसे कम मूल्य वाला, फिर रुपया, फिर असरफी। शेर शाह सूरी ने सबसे छोटा क्या चलाया, दाम, जो कि तांबा का होता था। हम अभी भी बोला जाता है ना कि इसका कितना दाम है, दाम ये सबसे निचले वर्ग के लोगों के लिए चलाया था, कि मान लीजिए किसी को 1 किलो चावल खरीदना है, या 1 किलो कुछ और खरीदना है, या थोड़ा सा कोई सामान खरीदना है, तो क्या चांदी का पैसा दे देगा, या पर चांदी का रुपया दे देगा, वो नहीं, वो दाम, वो बोलता था कितना दाम है इसका, तो मान लीजिए 1 किलो चावल का बोलेगा 4 दाम, कितना दाम चाहिए, 4 दाम, तो 4 गो दाम क्या कर देता था, तांबा का दे देता था। आज तक वो प्रचलन है, आज तक भी प्रचलन है कि पूछा जाता है दाम कितना है इसका, जबकि ये नहीं पता है कि दाम जो है कब का बंद हो चुका है, क्योंकि ये किस चीज का था, तांबा का था, और दाम बहुत दिन पहले ही क्या हुआ, बहुत दिन पहले का शेर शाह सूरी के बाद ही बंद हो गया, शेर शाह सूरी जब शासन कर रहा था उसके बाद क्या हुआ, ये बंद हो गया 1540 में, यहाँ पर शुरू हुआ 45 तक तो इनका काम ही खत्म हो गया, तो 45 तक क्या हुआ यहाँ पर, 45 में उसके बाद वो इस्लाम शाह आया, तो उस समय भी चल रहा था, इसका बेटा जो था इस्लाम शाह आया उस समय भी ये चल रहा था, शेर शाह सूरी वाला चल रहा था सिक्का, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हुआ, लेकिन अभी भी ये प्रचलित है, क्या प्रचलित है कि कितना दाम है, लोग बोलते हैं ना कि इसका कितना दाम है, दाम तो सबसे छोटा था, तांबा होता था, उसके बाद रुपया,
रुपया चांदी का होता था। रुपया जो चलाया जाता था वो किस चीज का होता था, चांदी का और असरफी सोना का। असरफी तो जो महंगे महंगे व्यापारी होते थे, जो बहुत धनी धनी व्यापारी होते थे, वो अपना सामान खरीदने के लिए प्रयोग, और मध्यम वर्ग के लिए रुपया। आज भी वो रुपया चलाया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा भी वो रुपया चलाया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर अंग्रेजों की बात करें तो वो भी रुपया को क्या किए हैं, रुपया को स्वीकार किए। उस समय तो रुपया का मतलब चांदी का सिक्का होता था, लेकिन आज रुपया रुपया जो होता है वो नोट के रूप में होता है, नोट भी और सिक्का के रूप में भी होता है। और उसके बाद फिर ये अंग्रेजों के बाद अभी तक देखिए रुपया चल ही रहा है। कि किसका चलवाया, शुरुआत किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। अब समझिए, शुरू से समझ लीजिए आपके काम लायक कौन कौन है। सबसे पहले टेराकोटा मिट्टी का सिक्का, उसके बाद मौर्य वंश के समय आहत सिक्का जिसको पंचमार्क भी कहा जाता था, पौंड भी चलता था, पौंड के सिक्का का नाम था जो चांदी का था लेकिन शुद्ध नहीं था, ध्यान रखिएगा शुद्ध चांदी नहीं था ये। उसके बाद सातवाहनों के समय मुख्य रूप से सीसा, याद रखिएगा यहाँ पर सीसा का सिक्का चलाया गया चांदी का, और चांदी का भी सिक्का चलाया लेकिन ये भी शुद्ध चांदी नहीं चला है, ध्यान रखिएगा चांदी का भी सिक्का चला देता और सीसा का भी। आगे इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक ने सोना का सिक्का चलाया, किस चीज का सिक्का चलाया इंडो ग्रीक ने, सोना का, लेकिन ये भी शुद्ध सोना नहीं था। यहाँ पर देखिए यहाँ तक अभी चांदी चल रहा था, यहाँ तक यहाँ से सोना शुरू हो गया, उसके बाद कुषाणों ने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया, ध्यान रखिएगा किस चीज का, शुद्ध सोना का सिक्का चलवाया। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल के समय सबसे अधिक जो सोना का सिक्का चलवाया गया लेकिन यह अशुद्ध था, और गुप्तों ने सबसे पहले शुद्ध सोना का, शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाया। उसके बाद मयूर शैली का सिक्का कौड़ी चलाया ही। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसने दाम चाहिए, उसके बाद हुमायूं की बात करें तो इसने इसके समय एक चमड़ा का सिक्का चला था, और शेरशाह सूरी के समय दाम रुपया असरफी और अंग्रेज रुपये, अंग्रेजों के समय तो रुपया चल ही रहा था और आज भी क्या चल रहा है, रुपया चल रहा है। हम लोग बहुत अच्छा से ये कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग समझ में आ गया होगा।